नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सभी SDM एवं तहसीलदार एवं पूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रवासी अवरुद्ध प्रवासी लोगों को अस्थायी राशन कार्ड बनाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो जिला पूर्ति अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों से लाभार्थियों की सूची का सत्यापन कराएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रवासी अवरुद्ध प्रवासियों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न एवं प्रति कार्ड पर 1 किलो चना उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वीडियो एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से प्रवासियों की लिस्ट बनवाएं तथा उनके परिवार के राशन कार्ड से मिलान कर लें कि उनका नाम पहले से दर्ज तो नहीं है, तथा मिलान के बाद सूची का सत्यापन कर जिला पूर्ति अधिकारी उनका स्थायी राशन कार्ड बनाएंगे।